हमारे अभी भारत हमारे देश का परम सभ्य रामविलास पासवान जी की बहुत ही पुण्यतिथि थी। हम लोगों ने उसको उनके पैतृक गांव शहरबन्नी में मनाया, उनको याद किया। बहुत भावुक पल था, बहुत भावुक क्षण था, लेकिन उनके आदर्शों को हमने याद किया और उनका जो एक उद्देश्य था कि हम लोग हमेशा दलितों शोषितों और वंचितों की आवाज़ बने रहेंगे, इसका हम लोगों ने प्रण दोबारा दोहराया। शाम में हमें पता चला कि आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री जीताराम मांझी जी ने एक बयान दिया है कि रामविलास पासवान जी की कमी को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो पशुपति कुमार पारस जी। हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए ये एक अस्वीकारणीय है कि रामविलास पासवान जी की उद्देश्यों को, उनकी मूल्यों को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ही ले जा सकते हैं और कोई नहीं ले जा सकता। आप रामविलास पासवान जी के 5 दशकों के राजनीतिक अनुभव को देखें, समाज से जुड़ने की उनकी कला को देखें, आप वंचितों शोषितों की आवाज़ उठाने की उनकी क्षमता को देखें, पार्टी और परिवार को एकजुट रखने की उनकी क्षमता को देखें, पार्टी के विस्तार को लेकर के जैसे बिहार के बाहर झारखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे उन्होंने जिस तरह से पार्टी का विस्तार किया है उसको देखें। आप उसके बाद देखें कि 5-5 प्रधानमंत्रियों के साथ उनका प्रशासनिक अनुभव है। ऐसे में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतनराम मांझी जी का ये कहना कि उनकी कमी सिर्फ पशुपति कुमार पार जी ले जा सकते हैं, ये हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। और उनमें ऐसा कोई गुण नहीं है जो इस बात को हम लोग तवज्जो दें। हमारा मानना है, हमारी पार्टी के वर्कर्स का मानना है, हमारे पदाधिकारियों का मानना है कि रामविलास पासवान जी को की जो राजनीतिक विरासत है, जो उनकी कमी है, जो देश में दलित नेता के की जो कमी है उसको पूरा करने में अगर कोई सक्षम है तो वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी ही। इसके लिए उनमें वो क्षमता है, उनमें वो प्रतिभा है और धीरे धीरे वो अपने पिता की तरह अनुभव भी ज्ञात करते जा रहे हैं। अभी हाल में हुए लोकसभा चुनावों में जिस तरह से उन्होंने एक दलित नेता के बिहार में दलित नेता के रूप में विपक्षी के जो अलग अलग मुद्दे थे उनको धराशायी करके गठबंधन को एक बड़ी जीत दिलाने का काम किया है, जिस तरह से वो पार्टी का आगे विस्तार कर रहे हैं, आप वहीं पे देख लीजिए कि पशुपति कुमार जी की पार्टी का संगठन और उनका अनुभव कैसा रहा है। इसलिए हम और हमारी पार्टी का ये मानना है कि उनकी विरासत को जो आगे ले जाना है और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी उनको इस बार मौका दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, हम लोगों का मानना है कि उनकी विरासत की, उनकी कमी को और उनकी विरासत को अगर आगे ले जाने के लिए कोई भी एक व्यक्ति है तो वो सिर्फ श्री चिराग पासवान जी हैं और कोई नहीं है। मैं जीताराम मांझी जी के इस बयान का पूरी तरह से खंडन करता हूँ, अपने वर्कर की तरफ से, अपने पदाधिकारियों की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। जीताराम जी क्यों इस तरीके की बात करते हैं? ये तो देखिए, राजनीति में मुझसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, मुझसे बड़े हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मुझसे मतलब मैं उनकी समकक्ष में आकर जवाब दे सकूँ। इसका जवाब तो उन्हीं को देना होगा। आने वाले बिहार के चुनावों में जो प्रासंगिकता अभी चिराग पासवान जी की होगी उसको जानने के बावजूद भी अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उसका जवाब भी वही देंगे कि ऐसे बयान वो क्यों दे रहे हैं। आपने कहा कि आपसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, तो अपने अनुभव के आधार पर ही बोल रहे होंगे, तो आप अब क्या आपको बता रहे हैं? देखिए, उनका अनुभव लंबा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में आप पिछले 3 सालों में और अभी चुनावों में जिस तरह की क्षमता, जिस तरह का प्रतिभा और दलित समाज की आवाज़ को बनने को लेकर के पूरे बिहार के लोगों की आवाज़ को सशक्तिकरण से उठाने का काम जिस तरह से चिराग पासवान जी ने किया है केंद्र में मंत्री रहते हुए भी, ऐसी कोई भी पहल श्री जीताराम मांझी जी के द्वारा नहीं की गई। चाहे वो आरक्षण में वर्गीकरण का सवाल हो, चाहे लैटरल एंट्री का सवाल हो, या वक्फ बोर्ड पे जो सवाल हो, जैसी जनता चाहती थी अपनी आवाज़ को वो लेकर है, मुखिया ने समझाया है, उस पर न्यायिक फैसला लेने का काम किया है।
हाल के दिनों में ऐसा कोई भी केंद्रीय मंत्री बिहार तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में श्री जीताराम मांझी जी का जो एक पहले से स्टैंड रहा है वर्गीकरण को लेकर के, हो सकता हो कि ऐसे में चिराग जी के विपक्ष में वो पशुपति कुमार जी की तरफ कोई एक कोण दृष्टिकोण रखना चाहते हो, लेकिन हमारी पार्टी से सहमत नहीं। चिराग पासवान और जीताराम मांझी आमने सामने हो गए। जीताराम मांझी ने यहाँ तक कह दिया था कि हम बंटवारा करने के लिए तैयार हैं, क्या लगा है तमाम बढ़िया आए दिन इस तरह से जीताराम मांझी आप लोगों को टारगेट में क्यों ले? देखिए, पूरा जो अभी दलित समाज है उसको एकीकृत एक होमोजीनियस ग्रुप की तरह रखकर के ही अपनी आवाज़ को उठाना होगा ताकि उनको सही भागीदारी मिल सके। अगर किसी दलितों की आवाज़ में अलग अलग वर्गीकरण और अलग अलग बंटवारा हो जाएगा तो हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि फिर दलितों की आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी और उनको जिस तरह की भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। यही प्रयास जीताराम मांझी जी कर रहे हैं, दलितों की आवाज़ को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, पूरे दलित समाज की आवाज़ को जो उठा करके सरकार के सामने या कहीं भी हिस्सेदारी की रख रहे हैं वो चिराग पासवान जी रख रहे हैं। और अच्छी बात यह है प्रधानमंत्री जी भी उनकी बात को सुन रहे हैं। ऐसे में एक दलित नेता होने के नाते श्री जीताराम मांझी जी को चाहिए कि पूरे दलित समाज के बारे में बात करें, सिर्फ एक वर्ग की बात ना करें।